एंडिंग फाइनली डन हो चुकी है और थोड़ी सी साइड भी करी मैंने, ये देख पे यहाँ पे गेटी चला रहे हैं, बट उसके साथ साथ धूप भी आ चुकी है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, आपको दिख रहा होगा पीछे पूरे काले बादल छा रखे हैं आज, तो आज का मौसम कुछ इस तरीके से है, तो बारिश कभी भी आ सकती है। आज बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है। सो हम तो अभी गाइस है घर पे और कहीं जाने का प्लान नहीं है मेरा आज क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है और थोड़ा सा घर के काम निपटाते हैं। तो गाइस, अभी थोड़ी सी पेंटिंग बची मेरे नीचे, तो उसको आज कर देते हैं, और रेड वाला कलर तो नहीं आया, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या सीन होता है। रेड वाला ही करूँगा, नहीं तो बाहर तब अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ग्रीन वाला ही करना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। आज अंदर पहले ग्रीन वाला कर देता हूँ एंड उसमें कुछ बचेगा तो इस साइड दूसरे साइड को भी कर दूंगा, साइड देखते हैं ग्रीन वाला कितना बचता है, फिर कहाँ कहाँ करते हैं वो भी देखते हैं, नीचे जाके ये पता लगेगा क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकता। नीचे जाके दिमाग चलने लग जाता है अपने आप ही, जब हाथ में स्प्रे आता है तो अपने आप ही दिमाग चलने लग जाता है कि क्या करना आगे। गाइस, नाश्ता वगैरह हो चुका है और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रखा है, सो हम चलते गाइस अभी नीचे और फिर मिलते हैं आपको नीचे। सो ये गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ नीचे, थोड़ी सी जैकेट चेंज कर दी क्योंकि इसमें पेंट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये है अपना कलर, वही वाला, बट एक ग्रीन वाला है तो ये वाला लगेगा, तो रेड वाला नहीं है, नहीं तो मैंने बाहर भी कर देना आज। और अपना ये इससे लगाएंगे हम, ये मैंने बचा के रखा था एंड यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ग्रीन कलर तो थोड़ा बचेगा। देखते हैं इधर करते हैं, इस साइड को करते हैं, देखते हैं। अभी ऊपर भी मैंने कुछ लगाना है इस पर, तो उसका भी सीन नहीं हो रहा है अभी, मैंने खुद सोचा था बट वो नहीं मिल रहा मेरे को, सो देखते हैं अब या फिर कुछ और चीज़ लगानी पड़ेगी ऊपर अब, बट यूनिक स्टाइल से बनाएंगे थोड़ा सा इस कमरे को। सो हे गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी, मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं, तो इससे क्या होता है ना, इससे हाथ पे कलर नहीं लगता, नहीं तो ये कलर ना बहुत ज़्यादा लगता है, फिर निकलता भी नहीं है, दो तीन दिन तक नहीं निकला था, परसों लगा था जब मेरे हाथ में, सो इसलिए ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं, देन फिर मिलते हैं आपसे। सो हे गाइस, पेंटिंग फाइनली डन हो चुकी है और थोड़ी सी साइड भी करी मैंने, ये देख सकते हो आप, ये वाली हल्की से दिख रही होगी क्योंकि अभी यहाँ ना लाइट फिटिंग नहीं कर रही है मैंने, इसलिए ना सही से नहीं दिख रही है ये, और उसका कलर थोड़ा सा लाइट है तो इसलिए दिख नहीं रहा है इसमें। और यहाँ तक ही कही, यहाँ से खत्म हो गया था स्प्रे, सो इधर साइड बच गया, बट कोई ना, इस साइड में रेड करूंगा थोड़ा सा, मतलब रेड मिक्स कर दूंगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अभी रेड वाला लाना है मैंने, और इस साइड तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है मतलब, तो कैसा करा कमेंट में आप जरूर बताना। सो ये भी कंप्लीट हो चुका है, इस साइड देखते करते ये नहीं करते बात की बात है। सो अभी इसके ऊपर भी काम है, वो भी करना है दूसरे दिन। सो गाइस, अब ऊपर चलते हैं क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। तो बाहर ऐसा हो रहा मौसम आज, पूरे काले बादल छा रखे खतरनाक वाले, और ये वाली पेंटिंग आपने देख ली है, इसके बीच में रेड वाला बचा है तो रेड वाला लाना है, और ये इधर ऐसा, ये वाली पेंटिंग बहुत लोगों को पसंद आई है, बहुत लोगों को सब कमेंट कर रहे थे कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग कर रखी है। एज ऊपर भी शायद मैं पेंटिंग करूँगा अपने कमरे में, जो साइड है जो जिसमें मैं सोता हूँ, तो वहाँ भी पेंटिंग करूँगा शायद, सो देखते हैं वहाँ कब होती है पेंटिंग वगैरह। पहले तो ये वाला कंप्लीट करना है मेरे को कमरा, क्योंकि चालू करना है मेरे को अब बहुत जल्दी, अपनी बेकरी जो है वो यहाँ शिफ्ट करनी है मेरे को, सो इस पर ही काम कर रहा हूँ आजकल। और भी इसमें थोड़ी सी फिटिंग करवानी है बिजली की, बिजली फिटिंग होगी देन उसके बाद सब कुछ सामान नीचे आ जाएगा मेरा। ये सब क्या करना, अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और रेस्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ चलते हैं। सो एक बार और, आज ठंडा हो रखा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है, और हम जा रहे हैं पांडीजोर के घर क्योंकि आज वहाँ अगेटी जलाएंगे और आग सेकेंगे आज अच्छे से वहाँ। सो गाइस, चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको आगे पांडीजोर के घर पर, क्योंकि पांडे जी आ चुके होंगे स्कूल से, 4 बज चुके हैं शाम के, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। तो ये गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ पांडे जी के घर पर, यहाँ पर अगेटी जला रहे हैं, बट उसके साथ साथ धूप भी आ चुकी है, मगर धूप उस साइड को है, उस वाले हनुमान की साइड, इस साइड तो चली गई है, तो अब अगेटी चलाते हैं। तो सुबह से अब हो रहे धूप के दर्शन भाई, बड़ी मुश्किल से धूप आई है, अब जाके धूप दिख रही है भाई, वाह। सो अब थोड़ा सा यहाँ पे धूप भी सेकते हैं, गाइस आग भी सेकते हैं, और ठंडा हो रखा आज मौसम बहुत ज़्यादा। सो अब आ रही धूप आई, बताओ, जब धूप चाहिए थी तब तो आई नहीं, अब आ रही है, वो भी थोड़ी सी हमारे घर साइड तो चली गई है, इस साइड है, उधर तो थोड़ी बहुत ही बची है। अब इधर तो जल रही है आग हमारे लिए, पांडे जी आग जला रहे हैं, तो आग सेकते हैं अब। सो गाइस, अब अंधेरा सा हो गया है, हमारे अगेठी भी 3-4 बार जल चुके इतनी देर से, और पांडे जी अब ले जा रहे हैं फिंड के अपने लिए, इनको बोलते हैं हम फिंड के, और उस वाले चूल्हे के जलाएंगे क्योंकि उसमें बनाएंगे खाना,
आज खाने में क्या बनना फिर पांडे जी? मटर पनीर। मटर पनीर, वाह। तो हम तो गाइस आज से आज बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा, आज आराम से मैं पर लगे पड़े ऐसे, तो ऐसा हो रखा मौसम। तो इसमें थोड़ी सी मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी इसकी, तो इसलिए थोड़ा सा उजाला दिख रहा होगा, और रियल में ऐसा हो रखा। और ये हमारे पांडे जी भी चमक नहीं रहे, अब चमकेंगे। और यहाँ पे हम आग सेक रहे हैं मस्त वाली, ठंडा बहुत हो गया आज। सो ये गाइस, मैं खाने वगैरह खा के आ चुका हूं, और सोने के लिए तो काफी ज्यादा ठंडा है, तो इसलिए आज जल्दी से सो जाते हैं बिस्तर के अंदर। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। तो अगर आपको लोग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है तो उसे भी फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।